नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आपके साथ चंद्र ओझा। श्याम बाबा के जन्म उत्सव को लेकर श्याम सेवा मंडल के द्वारा चिकित्सालय में बांटे फल बिस्किट। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। रामगढ़, शुक्रवार को बाबा श्री श्याम के जन्म उत्सव को लेकर रामगढ़ श्याम सखा मंडल के द्वारा बाबा श्याम का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। रामगढ़ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित व बिस्कुट वितरण किए गए। इस मौके पर श्याम सखा मंडल के सेवादार प्रहलाद सोनी, गौरव सोनी, दिनेश चौहान, संदीप सेन, रोहित जैन, कान्हा सोनी, सन्नी सोनी, चिराग साहू, सन्नी कालरा, अमित और दिनेश खींची ने फल वितरित किए। हर वर्ष की भांति देवउठनी की ग्यारस के उपलक्ष्य में बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाता है। उस पर हमारे सभी श्याम सखा मंडल के सभी सदस्य वे हमारे सभी अस्पताल के स्टाफ डॉक्टर साहब सबों ने बाबा श्याम के जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाया और ये हमारा जो कार्य है ये इसी प्रकार भली भांति चलता रहे। और बाबा श्याम से ये प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों पर बाबा आपका आशीर्वाद बने रहे। बोल श्याम प्यारे की जय। रामगढ़ पुलिस उपाधीक्षक देशराज ने ली CLG की बैठक। रामगढ़ अलवर शुक्रवार को रामगढ़ पुलिस उपाधीक्षक देशराज सिंह ने रामगढ़ थाना परिसर में CLG की बैठक ली, जिसमें रामगढ़ कस्बा सहित आसपास के क्षेत्रों के कई समस्याओं से ग्रामीणों ने अवगत करवाया। रामगढ़ बस स्टैंड पर यातायात की व्यवस्था को लेकर, तहसील परिसर के बाहर लगे CCTV कैमरों को लेकर पुलिस उपाधीक्षक देशराज सिंह को अवगत करवाया। इस मौके पर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह सहित एडवोकेट राजकुमार यादव, सुभाष चंद्र वर्मा, पूर्व सरपंच डोलीराम जी मेघवाल, परमजीत सिंह पूर्व पंच, उदाराम मेघवाल, खुशीराम मेघवाल इत्यादि CLG की बैठक में मौजूद रहे। अनूपगढ़ ज्योति के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, अमित भारद्वाज, रामगढ़ अलवर। CLG की मीटिंग थी और अभी आज क्या है, देवउठनी का एक बड़ा सावा है, इसलिए बाल विवाह के बारे में उनको लोगों को मान लो बाल विवाह कहीं होते हैं तो हमको इन्फॉर्म करें, उसको कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा सभी लोग प्यार से रहें, सामाजिक सौहार्द से रहें, इसके बारे में बताया गया। और जो आए थे लोग उस मीटिंग में उनकी समस्या जानी और वो समस्याएं बताई हैं उनके पे। सर मुख्य समस्या क्या कह रही है मीटिंग में? उन्होंने भी ये बताया कि हमारे इसकी एक तो ट्रैफिक की समस्या है बस स्टैंड पर, यहाँ पर थोड़ा सा उधर ट्रैफिक का जाम लगता है तो हम उसको दिखवा देंगे।